Hey guys, welcome back to my channel, शबनम फॉर दी वाइफ. कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे. मैं भी अच्छी हूँ. और आपको पता ही है कि हमारा काम ऐसा है तो हमको ना अभी आप सोचो कि कल तो इतनी बुरी हालत थी, आज रेडी हो गए. तो आज रेडी होना हमारा ना मजबूरी बन गई है. हमारे हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं है तो भी हमको सूट करना रहता है क्योंकि मेरा प्रमोशन का काम बहुत पेंडिंग हो रहा था. तो फिर अपना गाड़ी निकाली और रेडी होके अब ये साड़ी का, ज्वेलरी का, सभी का, चूड़े का, सबका प्रमोशन है. तो रेडी होके हम आ गए बाहर. घर से बाहर कहाँ आ गए हैं बस थोड़ी सी देर में आपको दिखाते हैं कि हम आज की वीडियो कहाँ शूट करने वाले हैं. तो सोचा कि ब्लॉग में भी दिखाऊंगी आप सबको भी. मैं इटावा से हूँ तो इटावा से जो भी लोग होंगे वो जानते होंगे. और देखते हैं. वैसे तो आज हमारे यहाँ ना भंडारा है, समापन है, तो बस एक या डेढ़ घंटे के लिए ही हम आए हैं. सिर्फ वीडियो शूट करना, जल्दी जल्दी घूम लेना और फिर वापस निकलना है क्योंकि घर पर ना फिर शाम के टाइम भंडारा का 4 बजे से सारा काम स्टार्ट हो जाएगा. चलिए बने रहिए ब्लॉग में. तो ये है लाइन सफारी का एंट्रेंस. यहाँ से एंट्री करते हैं तो दो शेर आगे भी ना पत्थर से बहुत सुंदर डिज़ाइन से बनाए हुए हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है सफारी इस तरीके से. ये मैंने ना बाहर से नहीं ले पाया, रोड साइड से, वहाँ से क्लियर दिखता है. हम अंदर आ गए थे गाड़ी लेके, वहाँ से ही शूट किया है मैंने. पहले तो हमारा अंदर आने का प्लान नहीं था बट फिर सोचा कि चलो वीडियो ही शूट हो जाएंगे हमारे और लोकेशन भी अच्छा रहेगा तो वीडियो भी अच्छे शूट हो जाते हैं. तो फिर अपना देखने का भी मन कर गया, चलो देख ही लेते हैं. तो हम निकल आए. आप सबने अगर यहाँ के हैं तो आपने देखा होगा और अगर आप आसपास के एरिया के हैं तो आपको इधर कभी भी आना हो इटावा तो पक्का आना. 5x में दिखा, 5x में सारा दिखाई देगा. इतना मस्त वाला व्यू है, आपकी वीडियोस भी अच्छी बनेंगे. यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, है ना. आ जाओ इधर, मस्त वाले वीडियो शूट होंगे यहाँ पे. मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मेरी साड़ी दिखाओ, है ना. और इसकी भी बताओ कैसी लग रही है इसकी. लेकिन इसकी मिलेगी नहीं, ये ऑफलाइन है. मेरी ऑनलाइन है. ये पूरा पानी का है, विद पर्स. पानी निकलता है विद पर्स. अरे हाँ यार, अपन उल्टी सीधी जगह से आगे दीपा. अरे ये तो मैं आई फोन लेकिन गोप्रो. अरे चढ़ो भाई, चढ़ो. डेढ़ा पार भी में फिर भी नहीं चढ़ पा रहे हो बेटा. कल प्रक्रमा लगाई ना तो आरपी वाला के इंसान. हाँ मोम कैसे चढ़ेगी? मोम मैं चढ़ाऊंगा ना. कल परिक्रमा गिरना मत मोम. अरे हाँ मम्मी, पैर तो इतने भर गए हैं पूछो मत. अरे मैं देखो स्पाइडरमैन की तरह चढ़ूंगा, कैमरा भी लेके साथ में. पकड़ लो दीपा, गरी कैमरा पकड़ लो, गिर भी जाएगा. कि हम तो इसीलिए नीचे ही उतरे ही नहीं, वो आराम से खड़ी पीछे. आओ हाँ चलो, आ जल्दी आ, चलो खींचो. इसकी फोटो खींचो. चलो ना, एक बार लंबी है, एक ही एक परिक्रमा लगाई. हम लोग की हाइट कम है ना तो उन लोगों की बहुत ज्यादा हाइट है. तो अब तो सोचा जी अब लगा रही, अब लगा रही. जी जी क्या तू सोचती क्या है, जल्दी लगाया कर. अब एक आ गई ना बड़ा खड़ी रहा. चलो तो हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ ना, इटावा के किसी स्कूल के बच्चे हैं ये सारे. और ये सब भी घुमाने के लिए, कितनी गर्मी में छोटे छोटे से क्यूट से बच्चे हैं. देखो कितने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको कितनी गर्मी लग रही होगी ना. तो ये कटिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे, इस तरीके से ये गेट है. ये तो ये है पुल. इस पुल के उस साइड में शायद शेर हैं, पता नहीं अभी हैं कि नहीं है. वैसे तो शेर थे जब मैं पहले आई थी, उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग वगैरह शायद नहीं करती थी, पता नहीं करती थी कि नहीं करती थी, बट मैंने दिखाया. ये पुल बना हुआ है और नीचे पूरा जंगल ही जंगल है, आपको दिख रहा होगा ना. है फौजी साहब, यार बहुत मस्त आ रहा फौजी साहब. यहाँ से वीडियो बना लो ना ऐसे. तो यहाँ पे ना ये दोनों अपने लिए आइसक्रीम वगैरह ले रहे हैं, मासी और ये उसका बेटा. और हम दोनों का तो फास्ट है तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, पानी वाटर ले ली थी बस. बाकी ये दोनों अपना खाने पीने का, सैंडविच वगैरह और ये सब यहाँ से ले रहे हैं. ये ना जहाँ पे शेर वगैरह ना, शेर सफारी वगैरह जो इधर साइड में अलग से जो उनके लिए बनाया गया है ना, वहाँ पर बस आती है एक, उस बस में ही ये आ गई बस. इस बस में हम लोग बैठ के जाएंगे और अंदर जाके सब देखेंगे. चलो फिर आपको भी दिखाते हैं. तो गाइस ये हम चल रहे हैं लाइन सफारी अंदर. अब देखते रहिए, मैं वॉइस नहीं निकालूंगा, यहाँ आप देखते रहिए पूरा. हम जो इटावा का लाइन सफारी है दिखाते हैं अंदर से आपको. ये हमारे ड्राइवर साहब है और पीछे पब्लिक बैठी हुई है.
तो गाइज़ यहाँ सीबी और फौजी साहब आगे बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने सूट किया है। तो इतने सुंदर सुंदर, इतने क्यूट क्यूट हिरन वगैरह थे, इतना सच में, मतलब हम, मैं और मेरी सिस्टर तो पीछे बैठे हुए थे, ये दोनों आगे बैठे थे, अच्छे से मतलब देख पाएँ, क्योंकि पीछे साइड से ना जाली वगैरह लगा रखी है। तो ये देखो, ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इतने सुंदर क्यों हैं, इतने मतलब साफ़ सुथरे, जैसे लग रहा था इनको नहला नहला के रखा हुआ, जबकि ये जंगल में रह रहे हैं। पर पता नहीं, होते होंगे ऐसे ही होते होंगे। कुछ बच्चे भी थे, इतने खूबसूरत, एकदम वाइट वाइट, मन कर रहा था छूने का ही। तो सच में जितना भी है, जो मैं आपको दिखाती हूँ कभी, हमारी पिछले पैनल से भी लिए वाले उसमें हम घुस गए हैं। पास सामने देखा लो, हम आपको दिखा रहे हैं मेरे पास। आप देख सकते हैं कैसा खड़ा है, ये बैठ गया। आप देख सकते हो ना, ब्लैक पैंथर नहीं जो बुलाने पर आ जाऊंगा। शेर अपने मूड से आता है और इस वक्त ना शेर का मूड नहीं है। शेर को आ रही है नींद और शेर चला सोने। गुड नाइट, स्लीप टाइट। मैंने उसे भी ना देख लिया लॉइन, सिवा से कांच भी ऊपर नहीं हो रहा था। मैंने कांच ऊपर कर लिया तो कांच ऊपर नहीं हो रहा था, इसको डर लग रहा था। डरने वाले लोगों को हमने पीछे बिठा रखा था, पीछे जा रहे हैं वापिस। तो गाइस आ गए अभी हम लोग ना, कितने निकले थे, कितने बजे, और शाम हो गई हमको ना वीडियो शूट करके। फिर हमने ना वहाँ पे चाय वगैरह पी, फिर निकले वहाँ से। मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया था तो मैं कुछ भी अपना दिखा नहीं पाई, चाय वाय पीने का। बाकी इन सब लोगों ने पेटीज वेटीज खाई। हमारा तो व्रत ही है तो पूजा का टाइम है, अब घर जाके नहा के फिर पूजा करूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं। अब आज भंडारा भी है, स्टार्ट हो गया है,
इसीलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, बस पहुंच जाए।